जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर, मैं सही चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 11 में। सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है, ठीक है ना, सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है। पेपर नंबर 6 है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे आप BBM के यू से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप LNMU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थ्योरम 3, है ना। थ्योरम 3 मुझे याद है, इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में मैंने थ्योरम 2 को बताया था, लेकिन मैं थ्योरम 2 लिखना भूल गया था, ठीक है ना। तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा, वहाँ पर थ्योरम 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन लेक्चर नंबर 9 में मुझे याद है कि थ्योरम 1 मैं लिखा था, 110% मैंने थ्योरम 1 लिखा था, ठीक है। और थ्योरम 2 सिर्फ लिखना भूल गया था, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है थ्योरम 1 थ्योरम 2, है ना ऐसा। तो थ्योरम 3 आज पढ़ने जा रहे हैं, और ये सब नंबरिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि काम आएगा अभी तुरंत आएगा काम, मतलब थ्योरम 1 का कहीं पर काम आ जाएगा थ्योरम 3 में, थ्योरम 3 को प्रूफ करने के लिए थ्योरम 1 का काम आ जाएगा, देखिएगा, है ना। तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, ये मेरा जो थ्योरम है क्या कहता है समझिएगा। ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप, ये थ्योरम थोड़ा सा पेचीदा है, बहुत पेचीदा है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कह रहा है क्या, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच, सबसे पहले एक एच को नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, और जी एक फाइनाइट ग्रुप है, याद रखिएगा यहाँ पर जी एक फाइनाइट ग्रुप है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप कहने का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, ठीक है ना। तो ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, क्या कहता है, सब ग्रुप ऑफ जी ना, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन में एक बार कंफर्म मिला लेता हूँ, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ जी, हाँ, तो यही है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आप समझिएगा बात को, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज में ही फंसा दिया है, है ना, थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम भी थोड़ा सा इधर उधर हो गए, है ना, क्योंकि लैंग्वेज में ही फंसा दिया है, लैंग्वेज को ही पकड़ना जरूरी है ना, लैंग्वेज को समझना जरूरी है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच, सबसे पहले जो है कि एक एच नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है, और जी एक फाइनाइट ग्रुप लेना है, ठीक है ना, फाइनाइट ग्रुप लेना है, और इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए यहाँ पर बात बोल रहा है एच के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि जी के लिए, है ना, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब एच एक फाइनाइट ग्रुप, एच एक फाइनाइट सबसेट है, है ना, एच एक फाइनाइट सबसेट है किसका, तो फाइनाइट ग्रुप जी का, सुनिए बढ़िया से, एच एक फाइनाइट सबसेट है, ओहो मिस्टेक, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच, एक एच जो है कि नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप जी का, फाइनाइट ग्रुप जी का एच जो है कि मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है, मेरा जी क्या है, बात को समझिएगा, जी मेरा फाइनाइट है, जी मेरा फाइनाइट है, जी क्या है मेरा फाइनाइट है, ठीक है, और एच क्या है मेरा, तो नॉन एम्प्टी सबसेट है, एच क्या है मेरा, नॉन एम्प्टी, कहने का मतलब नॉट इक्वल टू 5, एच मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, तो भाई एच मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, फिर से समझ लीजिए, जी एक फाइनाइट ग्रुप है और H मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, H मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, यहाँ तक क्लियर है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ H, ओके, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G, ओके फाइनाइट ग्रुप G, है ना, इज सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो हो गया, H इज ए सबसेट ऑफ G। अब क्या बोलता है, अब H मेरा क्या है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, एच मेरा जी का सब ग्रुप है, सब ग्रुप का दिखाने का तरीका ये भी है, मालूम है ना, तो एच क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है। और फिर क्या बोल दिया, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, कहने का मतलब कौन, इज ए मतलब एच, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब सेंटेंस को है ना इधर उधर तोड़ दिया है, लेकिन लैंग्वेज सही है, आप गूगल में सर्च मारिएगा तो यही बोल करके आएगा, हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर हार्ड कर दिया है, ग्रामर घुसा दिया है लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में भी। तो इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, अगर ऐसा होता है तो ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो उस केस में ए भी बिलोंग करेगा, मतलब ए इंटू बी का प्रोडक्ट बिलोंग करेगा एच में। तो अब इसको समझेंगे, देखिए एच अगर सब ग्रुप है जी का, तो उस केस में इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग कर रहा एच में और बी बिलोंग कर रहा एच में, तो दिस इंप्लाइज डेट ए बी, मतलब ए इंटू बी का प्रोडक्ट कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, एच में बिलोंग करना चाहिए। बात को समझिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए, देखिए क्वेश्चन थ्योरम को प्रूफ करना उतना आवश्यक नहीं है बाबू, पहले क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, है ना,
देखिए क्या बोलता है, ए नन एम्प्टी थ्योरम थ्योरी में ए नन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच, एच मेरा नन एम्प्टी सबसेट, एच मेरा नन एम्प्टी सबसेट है, नन एम्प्टी सबसेट है किसका, तो जी का, इसका मतलब एच खुद में एक नन एम्प्टी सेट है, तो एच मेरा नन एम्प्टी सबसेट है जी का, ठीक है। और जी क्या है भाई, तो जी एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है ना, और इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और जी क्या है और एच क्या है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी है। फिर से एक बार समझ लीजिए, एच क्या है, सबसेट है किसका, तो ग्रुप जी का, और H मेरा क्या है, तो नन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप G का, और ग्रुप G क्या है, फाइनाइट है। अगर ग्रुप G फाइनाइट है, सपोज कीजिए मेरे पास एक ग्रुप G फाइनाइट है, ग्रुप अगर G फाइनाइट है तो उसका जितना भी सबसेट होगा वो भी तो फाइनाइट होगा ना, इनफाइनाइट, देखिए कोई भी इनफाइनाइट सेट जो है कि किसी फाइनाइट सेट का, कोई इनफाइनाइट सेट किसी फाइनाइट सेट का कभी सबसेट नहीं बन सकता है। हाँ, कोई फाइनाइट सेट किसी फाइनाइट सेट का ही सबसेट बन सकता है, समझ गया ना, क्लियर है। अगर H यहाँ पर समझिएगा, वो बात तो नहीं कहा है कि H मेरा फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, वो नहीं कहा है, लेकिन H मेरा यहाँ पर फाइनाइट ही है। हम लोग कैसे जाने इस बात को, तो देखिए यहाँ पर बोल दिया है कि ए नन एम्प्टी सबसेट ऑफ H, H क्या है, नन एम्प्टी सबसेट है, H क्या है, नन एम्प्टी सबसेट है किसका है, तो भाई जी का है, और जी कैसा है, तो जी फाइनाइट है, फाइनाइट ग्रुप है। अगर जी फाइनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है, एज जो सबसेट बनने जा रहा है जी का, एज भी मेरा फाइनाइट ही होगा, है ना, एज तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, इनफाइनाइट एलिमेंट किसी फाइनाइट एलिमेंट में कैसे कंटेन हो सकता है, इसीलिए एज को भी फाइनाइट होना पड़ेगा, पहली बात तो ये, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, है ना, और एज क्या है, एज क्या है भाई, तो सब ग्रुप है जी का, कब है, इफ एंड ओनली इफ, अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो दिस इंप्लाइज डेट ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी का प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा एच में, यानी कि अगर ये वाला चीज हो रहा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी हो जाएगा, और अगर एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी लेकर के चलते हैं तो ये वाला कंडीशन को दिखाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन लग रहा है, तो नेसेसरी कंडीशन में हम लोग लेके चलेंगे एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और दिखा देंगे ए बिलोंग कर रहा है जी में एच में, और बी बिलोंग कर रहा है एच में, और दिस इंप्लाइज डेट ए भी बिलोंग कर रहा है एच में, और सेकंड कंडीशन सफिशियंट कंडीशन में लेकर के चलेंगे, ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, और ये लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पर जरा देखिए ये चीज, यहाँ पर रफ मैं लिख दिया हूँ कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी अगर लेके चलते हैं तो इफ एंड ओनली इफ हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो दिस इंप्लाइज डेट ए भी बिलोंग कर रहा है एच में, ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है एच में। और याद रखिएगा यहाँ पर भी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है, ऑपरेशन डिफाइंड है क्या, नहीं है भाई, डिफाइंड नहीं है, तो इस केस में भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन को स्टैंडर्ड ऑपरेशन मान करके काम करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो बात समझ में आ गई, ये रफ वर्क है, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिख रखा था। तो चलिए और एक बात यहाँ पर एक बार और नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इट शुड बी नोटेड, ये नोट कर लेना चाहिए आपको कि डैट इन दिस थ्योरम, इस थ्योरम में ओनली वन कंडीशन, एक ही कंडीशन, डैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मालूम है ना, ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए भी बिलोंग करेगा एच में, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। जी के केस में भी वही होगा, ए बिलोंग कर रहा है जी में, बी बिलोंग कर रहा है जी में, तो ए इंटू बी दोनों का प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा जी में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी इज नीडेड, तो यहाँ पर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी का ही जरूरत पड़ेगा, डैट इज एच इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर एच मेरा क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन के, है ना, यहाँ पर बोल दिया है कि एच, मतलब यहाँ पर देखिए हालांकि हल्का हल्का यहाँ पर हिंट्स दे रहा है ऑपरेशन क्या होना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है, यानी कि एच में जो है कि एच अगर क्लोज्ड होगा, एच अगर क्लोजर होगा तो किसके रिस्पेक्ट में, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन के, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी काम आएगा, एच इज ए क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाला, है ना, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ही काम आएगा, और ऑपरेशन क्या है, प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, प्रॉपर्टी क्लोजर लाएगा और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लाएगा, ठीक है। मैं ऊपर वाला ये चीज़ को इरेज करता हूँ, ये नोट जो है कि ये इरेज कर देता हूँ, और अगर इरेज हो गया होगा, अगर आपको लिखना है तो ये थोड़ा सा बैक कर लीजिए वीडियो को, और बैक करके फिर आप लिख लीजिए, ये नोट था, आप कन्फ्यूज ना हो, बहुत गिज हो जाएगा फिर, इसीलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, अगर कहीं रफ का वर्क लगेगा तो हो जाएगा। आइए देखिए, तो हम लोग प्रूफ करते हैं, सबसे पहला द कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी के लिए उस केस में क्या करना पड़ेगा, कंडीशन नेसेसरी के लिए सपोज करना पड़ेगा, सपोज एच इज ए सब ग्रुप, मान लेंगे कि एच सब ग्रुप है जी का, एच अगर सब ग्रुप है जी का, तो इसका मतलब एच जरूर से जरूर जी का ग्रुप होगा, सॉरी सॉरी
सॉरी सुनी, एच मेरा क्या सब ग्रुप है जी का, ये मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब एच तो ग्रुप होगा ही होगा, कन्फर्म है। एच अगर सब ग्रुप है जी का तो इसका मतलब एच तो ग्रुप होगा ही होगा, है ना, क्योंकि देखिए कोई भी सेट अगर किसी दूसरे सेट का सब ग्रुप होता है तो उसको सबसे पहले उस सेट का सबसेट होना पड़ता है और खुद में एक ग्रुप होना पड़ता है, कम से कम एक ग्रुप होना पड़ता है, तब जा करके हम उसको कहते हैं सब ग्रुप ऑफ अदर सेट। यानी कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी मान के चले हैं, तो इसका मतलब एच जरूर ग्रुप है, और एच अगर ग्रुप है तो वो ग्रुप के सारे कंडीशंस को फॉलो करेगा, है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो देन एच मस्ट बी क्लोज्ड, है ना। तो इसका मतलब देखिए ग्रुप का एक कंडीशन और होता है, पहला कंडीशन ही होता है क्लोजर। इसका मतलब अगर एच ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, तो इसका मतलब एच ग्रुप है, एच अगर ग्रुप है तो एच क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, तो देन एच मस्ट बी क्लोज्ड। अगर एच तब क्या होगा, क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, है ना, डैट इज द कंपोजिशन इन जी, मतलब जो ऑपरेशन तो जी में अप्लाई हो रहा है उसी ऑपरेशन के तहत मेरा एच जो है कि ग्रुप बनेगा, और ग्रुप बनेगा तो क्लोजर होगा। तो क्या मल्टीप्लीकेशन है, तो कॉम्पोजिशन क्या ऑपरेशन है, तो कॉम्पोजिशन का ऑपरेशन है किसमें, तो भाई जी में, और कॉम्पोजिशन का मतलब ही तो भाई मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, डैट इज द कॉम्पोजिशन इन जी। तो जी में कौन सा मल्टीप्लीकेशन, जी मेरा ग्रुप है, तो जी मेरा ग्रुप कैसे है, तो कॉम्पोजिशन ऑपरेशन के तहत मेरा जी मेरा ग्रुप है। अगर कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता, तो मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, नेसेसरी कंडीशन इज नेसेसरी में सपोज कर लिया कि मैंने एच इज ए सब ग्रुप, एच को सब ग्रुप मान लिया जी का, एच को अगर सब ग्रुप मान लिया है जी का, देन एच मस्ट बी, तो एच मेरा ग्रुप भी होगा, अगर एच ग्रुप होगा तो वो क्लोजर भी होगा, क्लोजर होगा तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये चीज़ दिया हुआ था नोट में। अब साथ ही साथ ये भी हम लोग जान रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन अगर एच में लग रहा है तो वही सेम ऑपरेशन मेरा जी में भी लगना चाहिए, क्योंकि मतलब सेम ऑपरेशन के तहत ही ना एच मेरा जो है कि ग्रुप है, है ना, जी जी का, जी अगर एच सब ग्रुप है जी का, तो यानी कि एच सबसे पहले तो ग्रुप होगा सेम ऑपरेशन के तहत, जी में जो ऑपरेशन है उसी ऑपरेशन के तहत। तो मैंने यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर डिफाइंड नहीं था ऑपरेशन, डिफाइंड नहीं था, इसीलिए मैंने कॉम्पोजिशन एज ए कॉम्पोजिशन मान लिया। कॉम्पोजिशन मतलब कुछ भी एक ऑपरेशन को, एक जनरल ऑपरेशन को कॉम्पोजिशन ऑपरेशन कहते हैं। तो मैंने मान लिया चलो भाई मेरा एच जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के जो है कि ये क्लोजर है। तो भाई द कॉम्पोजिशन इन जी, मतलब वही कॉम्पोजिशन जी में भी अप्लाई होगा जो मल्टीप्लीकेशन एच में अप्लाई हो रहा है, जो ऑपरेशन यहाँ पर, अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा है तो कॉम्पोजिशन के जहाँ पर बाबा आप मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉम्पोजिशन लिख दिया अच्छा लगता है ना देखने में, स्टैंडर्ड टाइप से बनाते हैं क्वेश्चन। तो देयर फोर अगर एच क्लोजर होगा, तो देयर फोर ए अगर बिलोंग कर रहा कोई, ए अगर कोई एलिमेंट अगर एच में बिलोंग कर रहा, बी अगर कोई एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहा, तो वो जरूर उसका प्रोडक्ट भी एच में ही बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन के तहत ये क्लोजर होना चाहिए, तो क्लोजर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एच तो मेरा सब ग्रुप है, अगर एच सब ग्रुप है जी का तो एच ग्रुप है, इसी वजह से ये ऐसा कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो गया, हैंस कंडीशन इज नेसेसरी, इसीलिए कंडीशन क्या हो गया, नेसेसरी हो गया। तो देखिए मैंने एच को सब ग्रुप लेकर चला और मैंने ए भी बिलोंग कर गया एच में, ये चीज़ दिखा दिया, मैंने एच को सब ग्रुप लेकर चला और ए भी बिलोंग कर गया एच में, मैंने ऐसा दिखा दिया, तो पहला कंडीशन तो प्रूफ हो गया, हैंस कंडीशन इज नेसेसरी। अब चलिए आगे देखते हैं, कंडीशन इज सफिशियंट देखते हैं, ठीक है। तो आप चलिए पहले इसको उतार लीजिए, है ना, मैं इरेज करूँगा ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है, कन्फ्यूजन आप में ना हो, चलिए चलिए बाद में इरेज करते हैं। द कंडीशन इज सफिशियंट, इट इज गिवन डैट एच इज क्लोज्ड, तो ये लेके चलेंगे आप, ये चीज़ लेके चलेंगे, एच मेरा क्लोजर है, ये चीज़ लेके चलेंगे और दिखा देंगे एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, द कंडीशन इज सफिशियंट में क्या करेंगे, इट इज गिवन डैट एच इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये चीज़ लेके चले कि ए भी बिलोंग कर रहा है एच में, यानी कि एच इज क्लोज्ड, एच क्लोज्ड है, है ना, एच क्लोजर है, है ना। तो द कंडीशन इज सफिशियंट, इट इज गिवन डैट एच इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये लेके चल रहे हैं, डैट इज ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो उसका दोनों का प्रोडक्ट, दिस इंप्लाइज डेट दोनों का प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा एच में, ये लेके चल रहे हैं। एंड वी हैव टू शो डैट, और हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि डैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और हम लोग को दिखाना पड़ेगा एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि ये चीज़ दिखाना पड़ेगा एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। लेट कर लेते हैं ए कोई बी, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, मैंने मान लिया कि ए कोई एलिमेंट है एच सेट का, देन बाई
द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन बोलता है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए इंटू ए, ए इंटू बी बिलोंग करेगा एच में। तो वही बात को समझिएगा, ए अगर बिलोंग कर रहा है एच में, मैंने मान लिया कि लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, देन बाय द गिवन कंडीशन, तब क्या होगा, ए इंटू ए, जैसे कि ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए बिलोंग कर रहा है एच में, क्यों, क्योंकि देखिए समझिएगा बात को, ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी के जगह पर भी मैं ए मान लेता हूँ, तो ए बिलोंग कर रहा है एच में, बिलोंग करेगा ही करेगा, तो उस केस में a इंटू ए बिलोंग करेगा h में, तो वही मैं लिखा हूँ a इंटू ए बिलोंग करेगा h में, यानी कि a स्क्वायर मेरा बिलोंग करेगा h में। अब समझिए, ठीक इसी प्रकार से a क्यूब भी बिलोंग करेगा h में, कैसे समझिए, देखिए बात को समझिए, a बिलोंग करेगा h में, ये तो कर ही रहा है, ठीक है, और a स्क्वायर भी बिलोंग कर रहा है h में, तो a बिलोंग कर रहा है h में, a स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a बिलोंग कर रहा है h में और a स्क्वायर बिलोंग कर रहा है h में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, a बिलोंग कर रहा है h में, ठीक है, और a स्क्वायर भी बिलोंग कर रहा है h में, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या बोल रहा है, a बिलोंग कर रहा है h में, b बिलोंग कर रहा है h में, तो उस केस में दिस इंप्लाइज डैट a इंटू b बिलोंग करेगा ही h में, तो इसका मतलब ये a है और ये b है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, a इंटू ए स्क्वायर भी बिलोंग करेगा h में, यानी कि a इंटू ए स्क्वायर का मतलब a क्यूब बिलोंग करेगा h में, अब a क्यूब भी बिलोंग कर रहा है h में, ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से a मेरा बिलोंग कर रहा है h में, ठीक है, और a क्यूब भी मेरा बिलोंग कर रहा है h में, a क्यूब भी बिलोंग कर रहा है h में, ठीक है ना, समझ रहे ना, तो यहाँ पर देखिए a क्यूब तो ये बिलोंग कर ही रहा है h में, ये यहाँ तक तो हो गया, अब देखिए a बिलोंग कर रहा है h में, a क्यूब भी बिलोंग कर रहा है h में, तो अंडर द गिवन कंडीशन a बिलोंग कर रहा है h में, b बिलोंग कर रहा है h में, तो a भी बिलोंग करेगा h में, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज डेट क्या हो जाएगा, a के जगह पर a हो गया इनटू, और b के जगह पर a क्यूब हो गया, तो a क्यूब बिलोंग करेगा h में, मतलब ये दिस इंप्लाइज डेट क्या इंप्लाई कर रहा है, a इंटू ए क्यूब क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 हो जाएगा, तो a टू द पावर 4 भी बिलोंग करेगा h में, तो यही कहना चाह रहा है, समझ रहे ना, बड़ा ही अनोखा है। इसी प्रकार से जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको कि a बिलोंग कर गया h में, a स्क्वायर बिलोंग कर गया h में, a क्यूब बिलोंग कर गया h में, a 4 बिलोंग कर गया h में, डॉट 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 डॉट, a 5 बिलोंग करेगा h में, a 6 बिलोंग करेगा h में, a 7 बिलोंग करेगा h में, डॉट 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 डॉट, है ना, फिर चलते रहेगा a 12 बिलोंग करेगा h में, ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन चलते रहेगा, एक समय ऐसा आएगा दज प्रोसीडिंग इन दिस मैनर, इन दिस वे, देन वी गेट a टू द पावर n, है ना, जैसे कि a1, a2, a3 सब तो बिलोंग कर ही रहा है h में, तो an भी तब बिलोंग करेगा h में, एक a टू द पावर n भी बिलोंग करेगा h में, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर सारा पॉजिटिव है, a का पावर 1, a टू द पावर 3, a टू द पावर 4, ये सारा पॉजिटिव है ना, तो इसी प्रकार से a टू द पावर n बिलोंग करेगा h में, और n क्या होगा भाई, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, n क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, समझ रहे ना। अब मैं फालतू वाला इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, देखिए मैं ये वाला जो है ना, ये वाला रफ आप थोड़ा सा उतार लेते तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये वाला रफ तो आप थोड़ा सा उतार लीजिए, ठीक है, ये रफ तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, है ना, क्योंकि आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसको इरेज करते हैं रफ्टो को, इरेज कर दिया मैंने, ठीक है, अब चलिए, अब ये आप उतार लीजिए, इतना पहले उतार लीजिए, फिर मैं पूरा को इरेज कर दूंगा, और जो है कि मैं अभी कौन सा कंडीशन लेके चल रहा हूँ, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में मैंने मान लिया है ये दो कंडीशन, इसको मैंने मान लिया है, और दिखा दूंगा ए चीज़ सब ग्रुप ऑफ जी, अब हमको दिखाना ए चीज़ सब ग्रुप ऑफ जी, चलिए इसको पहले आप उतार लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैं क्या बताया था, दज प्रोसीडिंग इन दिस वे वी देन वी गेट ए एन टू द पावर a टू द पावर n बिलोंग्स टू h वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने इस साइड में बताया था, इस साइड बता रखा था, ठीक है, इस साइड, ठीक है, इसको अब मैंने इरेज कर दिया पूरा, अब इसके बाद यहाँ से समझिए, दज द इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जो आ रहा था एलिमेंट हम लोगों के पास, वो a आ रहा था, a स्क्वायर आ रहा था, a क्यूब आ रहा था, a 4 आ रहा था, डॉट 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 an, फिर डॉट 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 डॉट, ये चला गया, ठीक है ना, बहुत सारा एलिमेंट जो है कि मेरे को कहाँ मिल गया था, सेट h में मिल रहा था, ठीक है ना, सेट h में a मिल रहा था, 8^1, 8^2, 8^3, डॉट डॉट डॉट, 8^n, फिर डॉट डॉट डॉट, ऑल बिलोंग्स टू h, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा था बाय द क्लोजर लॉ की मदद से, बट h इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ g, h लेकिन मेरा फाइनाइट सबसेट था g का, बिकॉज g इज ए फाइनाइट ग्रुप, चूंकि g मेरा फाइनाइट ग्रुप था इसीलिए h मेरा फाइनाइट सबसेट होगा ही g का, है ना, लेकिन h में तो मेरा इनफाइनाइट नंबर आ रहा है,
है ना, ये भी बात है। तो देयर फोर देयर मस्ट बी रिपीटेशन, इसका मतलब ये जो इनफाइनाइट नंबर आ रहा है, ये जो इनफाइनाइट नंबर्स आप देख रहे हैं एच में, इसका मतलब ये जरूर रिपीटेशन है। यानी कि हो सकता है वन 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 बहुत बार हो, या हो सकता है टू 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 बहुत बार हो, ठीक है ना। अब आपको मालूम होगा कि किसी भी सेट में अगर रिपीटेशन है, जैसे कि मान लीजिए वन 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 वन, ऐसे ऐसा बहुत सारा वन वन है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वल टू वन ही ना लिखते हैं, वन ही सेट में है ऐसे ही लिखते हैं। या मान लीजिए ऐसा है आपके सेट में, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट, है ना। जैसे मान लीजिए वन 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 वन, फिर टू है, फिर आपका थ्री है, फिर फोर है, तो फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं सिंपली वन टू और थ्री और फोर लिख देते, फोर लिख देते हैं, ठीक है ना। वन वन चूँकि रिपीटेशन है इसीलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। तो वही बात हो सकता है, जरूर ए एट द पावर टू, एट द पावर थ्री, एट द पावर फोर, डॉट डॉट डॉट, ये जो एट द पावर एन आया है, फिर डॉट 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 चल रहा है, जो कि सारा एच में बिलोंग कर रहा है बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी के मदद से, ठीक है ना। अब देख सकते थे मैंने ए को प्रूफ किया एच में, ए स्क्वायर को प्रूफ किया एच में, मैंने ए क्यूब को प्रूफ कर दिया था एच में बाय द क्लोजर लॉ, ठीक है ना। यानी कि प्रॉपर्टी नंबर वन, ए बी बिलोंग कर रहा एच में, वो मैंने दिखा दिया, ए बी बिलोंग कर रहा एच में, ठीक है, वो मैंने ले लिया, ठीक है ना, वो मैंने ले लिया। मैं क्या ले रहा था, ए और बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए बी बिलोंग्स टू एच, ये मैं ले करके चला हूँ, और मुझे दिखाना है एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये दिखाना है। तो मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच और ए बी बिलोंग्स टू एच, ये मैं ले कर चला हूँ, उसके मदद से मैंने दिखा दिया डॉट डॉट डॉट, ये सारा एलिमेंट्स ए एन तक है ना, ऑल बिलोंग्स टू एच, बट यहाँ पर एच तो मेरा इनफाइनाइट हो नहीं सकता, क्योंकि जी मेरा फाइनाइट है, फाइनाइट ग्रुप है, और एच मेरा सब ग्रुप बनना चाहता है, और एच मेरा सबसेट है जी का, यहाँ पर एच मेरा सबसेट है जी का, एच मेरा सबसेट है जी का, तो एच जरूर फाइनाइट सबसेट होगा जी का, क्योंकि जी तो मेरा फाइनाइट है। इसी वजह से यहाँ पर एच में जो एलिमेंट्स होगा, जो कि ए ए स्क्वायर ए टू द पावर फोर इस टाइप का है, ये सभी के सभी में कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर रिपीट कर रहा होगा, या हो सकता है एक से अधिक एलिमेंट जरूर रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। हो सकता है वन ही रिपीट कर रहा है बहुत बार, टू ही रिपीट कर रहा है बहुत बार, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ठीक है, लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, देयर फॉर देयर मस्ट बी रिपीटेशन इन दी इन दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन में, ये जो कलेक्शन है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो कलेक्शन है, इसमें जरूर रिपीटेशन है। देयर फॉर देयर मस्ट बी रिपीटेशन इन दी इन दिस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, दो बार लिख दिया है ना, हाँ, इन दिस कलेक्शन, इन देयर फॉर देयर मस्ट बी रिपीटेशन इन दिस कलेक्शन एलिमेंट्स, ठीक है। इफ दे आर डिस्टिंक्ट, अगर ये अलग अलग हुए, अगर कोई कह रहा नहीं सर ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, है ना, तो हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, इफ़ दे आर डिस्टिंक्ट, चलो तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं कि ये सब डिस्टिंक्ट है, देन एच विल नॉट बी फाइनाइट सेट, तब एच मेरा फाइनाइट सेट नहीं होगा, और एच मेरा फाइनाइट सेट नहीं होगा तो एच मेरा सबसेट भी नहीं होगा जी का, क्योंकि जी तो मेरा फाइनाइट है, तो कोई इनफाइनाइट सेट किसी फाइनाइट सेट का सबसेट कैसे बन सकता है, इसीलिए एच को मेरा फाइनाइट होना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए रिपीटेशन होना जरूरी है, डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता उसमें, है ना, रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन होगा तो सेट में, आपको मालूम है सेट में अगर रिपीटेशन है तो उस नंबर को, जैसे कि 1000 नंबर है या इन्फिनिटी नंबर ऑफ वन है, तो उसको हम लोग एक ही मानते हैं सेट, मतलब सिंगलटन सेट ही मानेंगे। किसी सेट में अगर मान लीजिए वन ही बहुत बार है, है ना, लाखों करोड़ों बार, तो उसको वन ही मानेंगे, एक ही एलिमेंट मानेंगे, है ना, बहुत सारा एलिमेंट नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। इफ़ दे आर डिस्टिंक्ट, अगर ये डिस्टिंक्ट हुए देन एच विल नॉट बी फाइनाइट सेट, तो मेरा तो ऐसा नहीं हो सकता, एच तो मेरा फाइनाइट सेट होगा ही होगा, क्योंकि एच इज अ सबसेट ऑफ जी, है ना। हेंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी E belongs to H, तो इसका मतलब यहाँ पर ज़रूर आइडेंटिटी बिलोंग करेगा, यानी कि वन, जैसे वन बहुत बार रिपीट कर दिया वो आइडेंटिटी हो गया, टू बहुत बार रिपीट कर गया तो वो आइडेंटिटी हो गया, एक ही बार एक ही जैसा एलिमेंट बहुत बार आ रहा है यानी कि वो आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। हेंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी E belongs to H, ऐसा एलिमेंट E जरूर मिलेगा जो कि H सेट का होगा, सच डैट इस प्रकार से कि ए का पावर एन करने पर, मतलब उनमें जो भी एच के सेट में जो भी एलिमेंट है उसका पावर हम कुछ कर देंगे तो हमको जरूर आइडेंटिटी मिल जाएगा। जैसे समझिए, जैसे वन वन वन
जैसे वन वन वन, अच्छा ये नीचे करके दिखाया हूँ, जैसे वन वन, जैसे देखिए डॉट 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 वन 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 चलते जा रहा, बहुत सारा वन है, बहुत सारा वन है, टू थ्री फोर है ना, तो वन के पावर क्या करेंगे एन, तो एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो एन के जगह पर कुछ और रख दीजिए, आम इमली शक्कर का मतलब टू रख दीजिए, थ्री रख दीजिए, फोर रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, तो आपको बदले में वन ही मिलेगा, समझ रहे ना, यानी कि वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वन जरूर आइडेंटिटी है तभी तो ऐसा हो रहा है ना, तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ, हेंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी E belongs to H such that इस प्रकार से कि A का पावर N, मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट जरूर मिल जाएगा H सेट के अंदर, जिसका पावर N करने पर, जिसका कोई भी पावर, कोई भी पॉजिटिव पावर N करने पर वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही रहेगा, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, समझ रहे ना, which will be also the identity element of आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो ई आया है, जो कि एच का मेंबर हो रहा है, और वो चूंकि ए टू द पावर एन बिलोंग कर रहा है एच में, इसी वजह से ई भी मेरा बिलोंग करेगा एच में, ठीक है, विच विल बी ऑल्सो, और साथ ही साथ ये जो एलिमेंट आया है आइडेंटिटी, ये एलिमेंट जरूर जी में भी बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि एच इज ए सबसेट ऑफ जी, तो जितना भी एलिमेंट एच का है वो सारा का सारा जी में बिलोंग करेगा, इसी वजह से ए टू द पावर एन यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी जी में बिलोंग करेगा, तो ए एन बराबर ई, ए एन बराबर ए टू द पावर एन किया तो हमको ई कैसे मिला, ये तो समझ गया कि ई कैसे मिला, क्योंकि वन के पावर आप कुछ भी कर दीजिए तो वन ही होगा, समझ रहे ना, तो यानी कि वन यहाँ पर आइडेंटिटी है, ये बहुत बार आ रहा था, बहुत बार आ रहा था डॉट 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 डॉट, यानी कि इन्फिनिटी टाइम आ रहा है, तो इन्फिनिटी टाइम आ रहा तो इससे मेरा सेट इन्फाइनाइट थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि सेट में क्या होता है कि अगर एक ही एलिमेंट बहुत बार आ रहा तो उसको रिपीटेशन कहते हैं, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन दिस सेट, और वन को बहुत बार हम लोग लिखेंगे नहीं, तब एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि सेट में, सेट में कोई भी नंबर रिपीटेशन होता तो उसको एक ही बार लिखते हैं, समझ रहे हैं ना, ये बात है, तो अब क्या है कि n a टू द पावर n इक्वल टू e विच विल बी ऑल्सो द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g, a n बराबर a टू द पावर n इक्वल टू e कैसे हुआ, समझिए, सिंस a टू द पावर 2 a टू द पावर 3 a टू द पावर 4 डॉट 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 a टू द पावर n डॉट डॉट डॉट, ये सब बिलोंग करेगा h में, ये सब क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है एच में, मैंने दिखा दिया ना, ए बिलोंग कर रहा था एच में, ए स्क्वायर बिलोंग कर रहा था एच में, ए क्यूब बिलोंग कर रहा था एच में, ए क्यूब ए फोर बिलोंग कर रहा था एच में, डॉट 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 डॉट, ए एन भी बिलोंग करेगा एच में, इसी प्रकार से अगर बढ़ता जाए तो, है ना, इसको मैंने प्रूफ भी किया था इससे पहले में, थोड़ा सा बैक कीजिए, है ना, तो समझ में आएगा, बट जी इज फाइनाइट एंड, और लेकिन जी मेरा फाइनाइट है, लेकिन जी तो मेरा फाइनाइट है, और साथ ही साथ एच मेरा सबसेट है जी का, इसीलिए एच मेरा इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, एच भी फाइनाइट ही हुआ तब, तो देयरफॉर एच इज ऑल्सो फाइनाइट, तो एच में कोई तो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स का प्रोसीडिंग रुक जाए, यानी कि एच में वन ही ऐसा एलिमेंट होगा जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर इनफाइनाइट एलिमेंट का प्रोसीडिंग रुक जाएगा, जैसे बहुत सारा वन है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू डॉट 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 एन टाइम्स, यानी वन टू द पावर एन, तो वो उसका प्रोसीडिंग रुक जाएगा, यानी वन के पावर एन है तो वो वन ही होगा, है ना, मतलब एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो एकमात्र वन ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, टू तो नहीं हो सकता, टू का अगर पावर करते जाएंगे तो वो थोड़ी टू बन जाएगा, जैसे कि टू का पावर वन किया, टू का पावर टू किया, टू का पावर थ्री किया, टू का पावर दस किया, तो वो तो बढ़ते जाएगा, तो वो तो नहीं हो सकता आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका मतलब एच सेट में एकमात्र आइडेंटिटी एलिमेंट वन होगा, जिसको पावर करने पर या जिसका मल्टीपल करने पर या मल्टीप्लाई करने पर, है ना, वो रुक जाएगा, उसका प्रोसीडिंग रुक जाएगा, तो वही बात मैं यहाँ पर लिखा हूँ, बट जी इज फाइनाइट, एच इज अ सबसेट ऑफ जी, देयरफॉर एच इज ऑल्सो फाइनाइट, तो एच में कोई तो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स का प्रोसीडिंग रुक जाए, तो क्यों ना इन ए टू द पावर 2, ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 4, डॉट डॉट डॉट, ए टू द पावर एन डॉट डॉट डॉट, इन सारे रिपीटेशन को ही ई मान लिया जाए, मतलब इन सारे जो भी रिपीटेशन हो रहा है, इसमें जो भी रिपीटेशन हो रहा है उसको हम ई मान लेते हैं, रिपीटेशन क्या होगा, वन का ही होगा, है ना, हालांकि यहाँ पर आर्बिटरी इन जनरल बात किया जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग ई बोल रहे हैं, वन नहीं बोल रहे हैं, तो इसीलिए रिपीटेशन को ही ई मान लिया जाए, क्योंकि ये तो रिपीटिंग ही ना करेंगे, तो जो रिपीटिंग करेगा तो उसका आइडेंटिटी ही कहेंगे, आइडेंटिटी एक जैसा आ रहा है, तो सिंस एच इज फाइनाइट हो गया इस बार, है ना, चूंकि रिपीटेशन तो अब रुक गया, देन ए टू द पावर एन बराबर ई हो जाएगा, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट हमको जरूर मिल जाएगा एच के अंदर से,
है ना, जो कि रिपीट कर रहा बार बार, और उसका पावर करने पर या उसको मल्टीपल करने पर, उसका मल्टीप्लाई करने पर वो आइडेंटिटी हो जाएगा, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब जैसे कि मैंने, मेरे को मिल गया वन, वन मिल गया एच सेट से, ठीक है, अब उसको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन, तो वो जरूर वन ही हो जाएगा। इसका मतलब वन टू द पावर एन कीजिए, एन टाइम्स किया ना, तो वन टू द पावर एन कीजिए, तो उसमें कोई रिपीटेशन, कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब वन जरूर आइडेंटिटी है। इसका मतलब सेट एज जो इन्फाइनाइट दिख रहा था आपको, ए ए वन ए टू ए थ्री ऐसा करके बहुत सारा नंबर आ रहा था, एट एट दो बार टू, एट दो बार थ्री, एट दो बार फोर, ये डॉट 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 ए एन तक, तो ये सारा का सारा अलग अलग नहीं है। उसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट है, हालांकि बहुत सारा जो है कि एक सीमित ही बनाएगा, मतलब कि एक लिमिट हो ही होगा, मतलब कि सब कोई इन्फाइनाइट नहीं होगा। उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर था जो कि बदमाशी कर रहा था, कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर था जो कि बदमाशी कर रहा था, और वही पूरा सेट को बढ़ा दे रहा था, ठीक है। और वो एलिमेंट हमको मिल गया, वो वन है, है ना। वन का मतलब कि पावर करने पर कितना भी का पावर कर दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वन को बहुत बार लिखना सही नहीं है सेट में, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट, देयरफॉर वन इज एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया था मैंने आपको, ठीक है, इतना क्लियर हो गया है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, ये जो हिंदी मैंने लिखा है इसको आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। ऑल्सो अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए ए एन बिलोंग कर रहा एच में, तो ए एन से पहले क्या होगा, ए एन माइनस वन, तो ए एन माइनस वन भी बिलोंग करेगा एच में, तो ऑल्सो यहाँ पर से लिखना एग्जाम में, है ना, यहाँ से, और ये जो यहाँ तक फिर लिखना है यहाँ से, और ये रफ्ट हो नहीं लिखना है, ये रफ्ट हो यहाँ, यहाँ तक नहीं लिखना है, ये यहाँ तक, ये पूरा रफ है, ठीक है, ये पूरा रफ है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करना, ऑल्सो ए एन टू द पावर एन माइनस वन बिलोंग करेगा एच में, डैट इज ए एन, और मैंने आपको बताया था जो ऑपरेशन था वो मल्टीप्लाई का था, है ना, मल्टीप्लाई का, तो उसको मैं ऑपरेशन कॉम्पोजिशन भी मान सकता हूँ, और कॉम्पोजिशन ऑपरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी कॉम्पोजिशन ऑपरेशन को मैं कह रहा था मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, मान सकते हो, ठीक है, एज ए स्टैंडर्ड ऑपरेशन। तो ए एन कॉम्पोजिशन ऑपरेशन ओ ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि मैंने इसको तोड़ दिया ए एन माइनस वन को, ठीक है। अब देखिए, अब ए एन टू द ए टू द पावर एन का ई था, तो ई ऑपरेटेड विथ ए इनवर्स अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ या कॉम्पोजिशन ऑपरेशन, तो ई को ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा, क्योंकि ई तो आइडेंटिटी है, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और आपको मालूम होगा हम लोग क्या लेकर के चले थे, हम लोगों के पास दिया हुआ था ए बिलोंग्स टू एच, आप देखिएगा सफिशियंट कंडीशन में घूम करके, अब बैक जाइए, ए बिलोंग्स टू एच दिया हुआ था और बी बिलोंग्स टू एच दिया हुआ था, तो हम लोग के पास था क्या, ए बी बिलोंग्स टू एच, है ना, और उसी चीज़ से, और हम लोग को दिखाना क्या था सफिशियंट कंडीशन में, हम लोग लेके चल रहे थे ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच और ए बी बिलोंग्स टू एच, ये लेके चल रहे थे, और हम लोग को दिखाना था कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, उस ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच का मदद ले करके हमने दिखा दिया इसमें ए स्क्वायर ए ए टू द पावर वन, ए टू द पावर टू, ए टू द पावर थ्री, डॉट 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 ए एन, डॉट डॉट डॉट, ये सब एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहा, ये हमने दिखाया, और दिखा दिया कि ये सब जो है कि इसमें से कोई ना कोई एक जरूर है जो कि आइडेंटिटी है, ये दिखा दिया। और इसके बाद फिर हम लोग को उसी में से, चूँकि ए टू द पावर एन बिलोंग कर रहा था एच में, तो उससे पहले ए टू द पावर एन माइनस वन बिलोंग करेगा जरूर एच में, उसी से हमको ए एन ए टू द पावर एन माइनस वन बिलोंग कर रहा है एच में, ये मिला। अब इसको तोड़ दिया अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, तो मुझे ए इनवर्स मिल गया बिलोंग कर रहा है एच में। और आप लोग को मालूम होगा कि ए बिलोंग करेगा एच में, है ना, और बी बिलोंग करेगा एच में, तो ए बी बिलोंग करेगा एच में, ये हम लोग को दिया हुआ था, ये हम लोग को दिया हुआ था, ए बिलोंग करेगा एच में और बी बिलोंग करेगा एच में, ये हम लोग को दिया हुआ था, ठीक है। और हमने क्या किया, ए बिलोंग करेगा एच में, यहाँ पर देखिए, और हम लोग को यहाँ पर मिल गया ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, वो फर्स्ट वाला जो गिवन कंडीशन है उसी को यहाँ पर अप्लाई किया कि ए बिलोंग कर रहा है एच में और साथ ही साथ मेरा ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच में यहाँ से, ठीक है। और आपको मालूम होगा जो कंडीशन होता थ्योरम वन में, थ्योरम वन में जो कंडीशन था कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, और ए बिलोंग, ये पहला कंडीशन था थ्योरम वन में, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ थ्योरम वन, ए बिलोंग कर रहा एच में, बी बिलोंग कर रहा एच में, और तब ए भी बिलोंग कर रहा था एच में, और ये पहला कंडीशन था। और दूसरा कंडीशन था कि ए बिलोंग कर रहा एच में और उसका इनवर्स भी बिलोंग कर रहा एच में, यानी कि ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा एच में, तब एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमने प्रूव किया था थ्योरम नंबर वन में। आप देखिए कॉपी खोल करके, तब ज़्यादा समझ में आएगा, है ना।
हाँ देखिए, एक थ्योरम मैं पढ़ देता हूँ, आपको याद आ जाएगा, रिकॉल आ जाएगा। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, एक नंबर कंडीशन, ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो दिस इंप्लाइज डेट ए भी बिलोंग कर रहा है एच में, है ना, और फिर ए बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब ए भी बिलोंग कर रहा है एच में और ए बिलोंग कर रहा है एच में और ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, ये दो कंडीशन को लेकर के चलते थे और दिखाते थे कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये दिखाते थे। तो देखिए हम लोग का ये दोनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो गया है, तो चूंकि हम लोग लेकर के ही चले थे ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए भी बिलोंग कर रहा है एच में, सफिशियंट कंडीशन में। देखिए ना भाई, देखिए थोड़ा बैक जाइए, है ना, और यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ए बिलोंग कर रहा है एच में, ये फर्स्ट कंडीशन जो गिवन कंडीशन है उसी में से ए बिलोंग कर रहा था एच में, और यहाँ पर दिखा दिया कि ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, तो ये मतलब ये सेकंड कंडीशन को भी दिखा दिया यहाँ पर, तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया हूँ। इन दिस वी फाइंड, यहाँ पर हमने खोज लिया डैट द टू कंडीशंस ऑफ द थ्योरम वन, थ्योरम वन का जो दोनों कंडीशन था यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है, है ना, होल्ड गुड, मतलब कि होल्ड हो रही है, हेंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, है ना, बस एक लाइन लिखना है, हेंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, प्रूफ हो जाएगा इसको। अच्छा आप लिख लिए थे ना ये वाला, अच्छा लिख ही लिए होंगे, है ना, अच्छा लिख देते अगर कहीं कट गया होगा तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर छूट जाएगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। एक मिनट, कहाँ पर था, हाँ जी सिंस, हाँ जी हाँ हाँ डॉट 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 ये था, All G belongs to H, subset of G because G is a finite group, है ना। चलिए मैं जो इरेज किया था उसको मैं फिर से लिख दिया, अब आप थोड़ा सा लिख लीजिए फटाक से भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए हो गया, अब इसको इरेज करते हैं, और एक लाइन लिखना है, हेंस G इज ए सब ग्रुप ऑफ, हेंस ए जी नहीं एच, एच Hence H is a subgroup of G. Shortcut तरीका proved, है ना, proved, लिख दीजिए under the same binary operation on G, है ना, ये प्रूव करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। मैंने फर्स्ट केस में क्या दिखाया कि एच सब ग्रुप लेकर के चला, ठीक है, और मैंने दिखा दिया, है ना, क्या दिखाना था मैं बता देता हूँ आपको, हाँ तो मैंने फर्स्ट केस में लेकर चला एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और मैंने दिखा दिया ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच और ए भी बिलोंग्स टू एच, ये दिखा दिया था नेसेसरी कंडीशन, और फिर सेकंड कंडीशन में मैंने लेके चला ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच और ए भी बिलोंग्स टू एच, इसको लेके चला और दिखा दिया कि ये पहला कंडीशन अगर होल्ड कर रहा है, ये अगर पहला कंडीशन होल्ड कर रहा है तो ये थ्योरम वन का पहला कंडीशन है कि ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच और ए भी बिलोंग्स टू एच, और अगर मैं इसी को दिखा दूं कि ए इनवर्स भी बिलोंग कर गया एच में, तो उसी को मैंने यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा में दिखा दिया कि ए इनवर्स बिलोंग कर गया एच में, इसीलिए दोनों कंडीशन फॉलो हो गया, इसीलिए थ्योरम नंबर वन से जो कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन था, है ना, उसके मदद से मैंने दिखा दिया कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था, तो इसको हमने प्रूफ कर दिया, तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 11। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 12 में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।